देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भाजपा सरकार में गरीब ब्राह्मणों को नहीं मिले शौचालय, आवाज ब्राह्मण करें कैसे भरोसा। सीतापुर उत्तर प्रदेश के महोली कैमहरार रघुवर दयाल गांव में भूपेंद्र दीक्षित पिता क्रांत दीक्षित का जो देख नहीं सकते, जिसको लेकर परिवार के लोग काफी परेशान रहते हैं। मजदूरी करके पिता परिवार को दो समय के लिए पेट चलाने के लिए भरण पोषण कर पाते हैं और रहने के लिए घर में दीवार के सहारे टीन डालकर समय काट रहे हैं। और यहां तक कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा तमाम प्रकार की योजनाएं चल रही हैं और केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भी जनता के लिए तमाम प्रकार के लाभ दिए गए, किंतु यह एक ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मण परिवार का है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई सुविधा नहीं दी है। सरकार का दावा है कि सबका साथ सबका विकास के लिए साथ में अब चुनाव में वोट मांग रही है, जबकि एक ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को नहीं मिल पा रहा है तो औरों का क्या होगा। मुझे तो लगता है कि इससे बड़ा और कौन होगा दलित, क्योंकि यदि कोई कास्ट का होता तो सरकार ने अभी तक वोट बैंक के चक्कर में दिया जाता, परंतु यह व्यक्ति एक ब्राह्मण परिवार से है इसलिए कोई सुविधा नहीं दी गई। जबकि इसकी पैरवी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता व सेक्टर संयोजक बछवल ब्रह्म शंकर दीक्षित के द्वारा पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को भी अवगत कराए, उसके साथ साथ जनपद के जिलाधिकारी को पत्र भिजवाया गया, फिर भी कोई सरकार से लाभ नहीं मिला। अब देखना होगा कि इस आधार पर इन ब्राह्मण परिवारों से पाएंगे वोट। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र कुमार दीक्षित। किस गाँव में रहते हो? कहारा। आपके पिताजी का क्या नाम है? श्रीकांत दीक्षित। आपको सरकार द्वारा कोई सुविधा मिली है या नहीं? नहीं मिली है। जैसे कि सरकार तो तमाम वादे कर रही है, कि कह रही है कि मैंने सबका साथ सबका विकास को लेकर के तमाम शौचालय दिए और तमाम योजनाएं दी, वो आपको मिली कि नहीं मिली? नहीं मिले। किसी ने आपका किसी पैरोकार जो है उसने कभी सरकार के सामने कोई बात रखी है? नहीं है? नहीं। कौन आपका पैरोकार है, किसके माध्यम से आपने सरकार को मांग की? ब्रह्मा। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान हैं। चलिए आपके पिताजी से भी बात कर रहा हूँ, पूछना चाह रहा हूँ कि दादा आप ये बताइए कि अभी तक आपने अपने बेटे को लेकर के किसी प्रधान से अथवा विधायक या सांसद से कभी इस बात को कहा? हमने तो कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं उस पे है। जी हाँ, कोई सुनवाई नहीं की? कोई नहीं। जब सरकार तो तमाम वादे कर रही है कि कॉलोनी दे रहे हैं और आवास दे रहे हैं और शौचालय उपलब्ध करा रहे हैं सरकार क्षेत्र की जनता को, गरीब लोगों को, उसमें भी आपको कोई सुविधा नहीं मिली? प्रधान भी नाराज है जी, वो कहाँ से देगा है? तो शौचालय वगैरह आपको नहीं मिले? नहीं मिला। आपके घर की स्थिति कैसी है ये देखना चाहेंगे। पेन दीक्षित जी हैं जी, इनकी पैरवी आप कर रहे थे? हाँ, हमने जिलाधिकारी को। क्या नाम है आपका? सुप मेरा नाम है ब्रह्मशंकर दीक्षित जी, निवासी कहमारा रघुवर दयाल। क्या कर रहे हैं पेशे से? पेशे से हम अपना प्रिंटिंग प्रेस का काम करते हैं जी जी, और भारतीय जनता पार्टी का मैं सेक्टर बछवल का सेक्टर संयोजक हूँ जी। तो आप जब सेक्टर संयोजक हैं तो आपने अपने मंडल अध्यक्ष अथवा विधायक से इनकी बात कही कि नहीं? वहाँ पे कोई सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, बात रखी हुई लेकिन काम हो जाएगा वो कुछ हुआ नहीं जी। 22/7/2021 को हमने जिला अधिकारी को भेजा था डाक द्वारा कुछ लाभ दिलवाने के लिए अपने भाई को जी, लेकिन वहाँ से भी अब तक लगभग 4-5 महीने हो गए हैं, वहाँ से कुछ लाभ नहीं मिला है, समुचित जवाब नहीं मिला है। नहीं मिला है। सरकार तो तमाम वादे कर रही है सबका साथ सबके विकास को लेकर के, और इनके यहाँ हमें देखने को मिला ना तो शौचालय है, ऐसे नेत्रहीन व्यक्ति को जिसको 100% विकलांग है ये जी, ना तो इनको आवास मिला है, ना राशन कार्ड मिला है, ना शौचालय मिला है, ना इनको पेंशन मिली अब तक है। प्रधान द्वारा अभी तक यहाँ के जो भी प्रधान हुए हैं इनके विषय में कभी उन्होंने कुछ सोचे नहीं जी जी। चलिए, ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहे नया भारत दर्पण समाचार।